दोस्तों आज की वीडियो में टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जी हम बात करने वाले हैं सतीश कुशवाहा भैया के नंबर के बारे में। एक चीज और है, उससे ज्यादा हम एक्साइटेड और खुश इस बात को लेके हैं कि उतनी ज्यादा बड़े चैनल हमारे चैनल को देखते हैं। ये मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ बल्कि इसका मैं प्रूफ दिखलाऊंगा। और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चैनल हमारे चैनल को कभी चेकआउट करेंगे, देखेंगे। और जब मैं उनसे कभी मिलने को सोचता था तो सोचता था भाई वो मुंबई रहते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं। एक्चुअली अभी फिलहाल घर पे रहते हैं और कितना दूर हमारे घर से उनका घर पड़ता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। क्यों मुंबई छोड़ के अभी घर पे रह रहा है ये भी चीज़ें बताएंगे। उनका नंबर भी मैं देने वाला हूँ और वो मेरा वीडियो क्यों देखें, कौन सा वीडियो देखें, वो भी मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं चाहूँगा पूरा देखें तभी सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, नहीं तो इस भावनाएं में खो जाएंगे वीडियो को वॉच करते समय तो आप भूल जाएंगे। और इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में करना कि आप सतीश कुशवाहा भैया का वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप उन्हें जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जो भी आपका राय है कमेंट में दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो हो गई अपने चैनल के बारे में। अब बात करते हैं सतीश कुशवाहा भैया के बारे में। एक्चुअली वे मुंबई रहते थे, आपको भी पता होगा अगर उनके सब्सक्राइबर है तो। अभी फिलहाल घर पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो मुंबई रहते थे तो वहाँ पे उनका थोड़ा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से घर आ गए। सोचे घर पे जाएंगे, वहाँ पे ठीक हो जाएगा फिर आ जाएंगे। तो घर पे आए तो घर आते हैं तो उनकी वीडियो शूट करते समय काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गाँव में जानते हर एक चीज़ का दिक्कत होता है। तो ये यहाँ पे उनको दिक्कत होती थी, जब भी वो मुंबई से आते थे तो जल्दीबाजी करते थे जाते समय और अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते थे। इसके वजह से वे क्या किए कि यहाँ पे एक सेटअप अपना क्रिएट किए जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए। तो वे सेटअप बनाने की वजह से सोचे कि अब मुंबई भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे, तो अभी दोनों जगह जाके वीडियो बनाते हैं। बट अभी फिलहाल घर पे ही हैं और हमारे घर से उनका घर ज़्यादा दूरी पे नहीं पड़ता है, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर पे है। बस जिला का अंतर है, वे देवरिया जिला से है, हम कुशीनगर जिला से हैं। और एक चीज़ और है, मतलब काफ़ी फ्रेंडली हैं, उनसे मैं मिला हूँ, आप वीडियो मेरा देखे होंगे तो पता होगा। उनका मीटअप था कुछ समय पहले ही गोरखपुर में, जो कि हमारी ही मंडल में है, तो वहाँ पे हम लोग मिले थे तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। वहाँ पे उनका मैं नंबर लिया और अभी भी उनसे मेरा बात होती है। और मैं ये चीज़ें कहता नहीं हूँ बल्कि मैं दिखलाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सच बोला। उनके स्टेटस भी मैं देखता हूँ ज़्यादातर, स्टेटस में ज़्यादा चेक करता हूँ, मैसेज ना करता हूँ। क्योंकि क्या मतलब है मैसेज करना, मतलब कुछ पूछना हो तब तो मैसेज करो, फालतू तो मैसेज करने की कोई मतलब ही नहीं रह जाती है। उसके बाद ये तो हो गई उनकी नंबर से रिलेटेड। और वीडियो मेरा देखे कौन सा, वे देखे थे ये वाला वीडियो जो कि स्क्रीन पर आपको दिखता होगा। एक चीज़ और है, या वीडियो देखे तो देख सकते हो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे दिख रहा है उनका डीपी, उनका चैनल का, वे उसी चैनल से देखे जिस चैनल से उनका चैनल चलता है यूट्यूब चैनल, तभी हमें पता चला। ये काफ़ी हमारे लिए खुशी की बात है और आप लोगों के लिए खुशी की बात है। उनके लगभग 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और हमारा देख ही सकते हो अभी फिलहाल कितना है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। बट वो मतलब अभी भी मेरा वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं, देखते हैं। तो यह चीज़ है, हमें काफ़ी खुशी है चीज़ को लेकर। और मतलब कमेंट इस वीडियो में नहीं किए लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे पर्सनली आके कमेंट किए थे इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और वही स्क्रीनशॉट भेजे थे तो हमें बहुत खुश हुए कि भाई चलो कोई ना भैया हमारी वीडियो देखते हैं। कभी हम कल्पना भी नहीं किए थे कि हमारी वो वीडियो देखते होंगे या देखे होंगे। तो ये चीज़ें। और नंबर की बात रही तो मैं नंबर इस वीडियो में दे सकता था, बट एक चीज़ है कि मैं उनके ही ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ तो वे मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, तो ये भी वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इसमें नंबर दे दूं तो हमें बोलेंगे कि मैं तुमसे बात करता हूँ ठीक है, और तुम ऐसे अब नंबर ले लिए हो तो सारे लोगों को शेयर करो, तो शायद नाराज होंगे। तो ये चीज़ें मैं शायद ना कर सकता हूँ और नहीं दे सकता हूँ, बट मैं अपना नंबर दे दूँगा और इसके थ्रू उनसे आप बात कर सकते हो। कैसे? क्योंकि हम लोग गए थे गोरखपुर, वहाँ पे मीटअप था उनका,
तो वहाँ पे एक ग्रुप बनाए थे, जितने भी क्रिएटर गए थे मीटअप में उन सारे क्रिएटर को उसमें ऐड किए थे। तो अगर मेरा नंबर आपके पास रहेगा तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो भी आप मैसेज करोगे अपने चैनल से रिलेटेड तो आपको उस ग्रुप के थ्रू मैसेज करके बता दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी स्क्रीनशॉट आपको उसमें भेजना होगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है। और जो भी न्यू चैनल है उसको भी प्रमोशन किया जाता है, तो मतलब हम लोग हेल्प कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वो अभी आगे बढ़े और उसका चैनल चेकआउट करते हैं, बढ़िया से काम करा तो प्रमोशन भी कर दिया जाता है और उसको थोड़ा हेल्प भी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को थ्रू आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला अवश्य बताइएगा। और वीडियो को पहले ही मैं बोल दिया हूँ, लाइक कर देंगे भाई, इतना तो विश्वास है। और चलिए मैं अन्य किसी वीडियो मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।